राज्यसभा में आज पेश हो सकता है ट्रिपल तलाक बिल, विपक्ष कर सकता है हंगामा। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। श्री राम मंदिर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा भगवान राम में हमारी आस्था, अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। लोकसभा में आज भी सुनाई दे सकती है रफाल डील की गूंज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। दो दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी पेस हार्ट सेंटर की कैथ लैब का करेंगे उद्घाटन। देहरादून में आज ग्रोथ सेंटर की समीक्षा बैठक, सीएम त्रिवेंद्र रावत होंगे शामिल, स्वदेशी मेले का भी करेंगे शुभारंभ। एनआईए की रडार पर पश्चिमी यूपी के कई जिले, 200 से ज्यादा संगठनों के आईएसआईएस से जुड़े होने का शक, जल्द हो सकता है बगदादी ब्रिगेड के नए मॉड्यूल का खुलासा। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज में बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरादाबाद में दो मेडिकल स्टोरों पर छापा, नकली और नशीली दवाएं बेचने का आरोप, लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। उत्तराखंड में आज भी नहीं दौड़ेंगे 108 एम्बुलेंस सेवा, वेतन नहीं मिलने से नाराज 717 फील्ड कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन। सिडनी टेस्ट में 100 रन के पार भारत, दो खिलाड़ी लौटे पवेलियन, 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया।